अपना लंबा आंदोलन चुका है और ये तो 3 साल तक चलेगा। आप भी इसकी तैयारी कर लो, हम तो कर ही रखी है। आप इसको मतलब चौकन्ना रहो, ये तोड़ने फोड़ने की बात ही सरकार करती है बार बार। हम कहीं नहीं जा रहे, ना हमारे में कोई गुटबाजी है, ना कोई टूटने वाला है, ना कोई मतलब अलग कुछ करने वाला। हम इकट्ठा थे, इकट्ठा हैं, इकट्ठा रहेंगे। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज इस देश का किसान अगर सड़कों पर बैठा है तो आज ये संविधान की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है, नस्लों फसलों की लड़ाई है। आपने कहा था 3 साल आंदोलन चलेगा, आपको लगा 3 साल तक रहेगा आंदोलन? बिल्कुल रहेगा, या तो कानून वापस हो गया, सरकार वापस होगी, दो ही चीज होंगी। सरकार वापस होगी तो फिर कानून ऑब्वियसली वापस हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो हमारी बात सुनेगी। सरकार कैसे वापस करोगे, कितना बड़ा प्रभाव रखते हैं आप? अंबेडकर जी, कितनी सीटों पे प्रभाव? अंबेडकर जी ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू। समाधान कर दिया ना, वैक्सीन लगा दी ना बंगाल में, अगले साल यूपी में लगा देंगे, समझ रहे हो? और फिर भी अगर कोई दूसरा स्ट्रेन निकल आया बीजेपी के अंदर तो फिर 24 में पक्का इलाज कर देंगे। जो डेल्टा वायरस निकला है, सही का भी नहीं निकला, कुछ न कुछ 24 में बढ़िया वाली वैक्सीन लगा देंगे। जी, आप एक समझदार आदमी है, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन में आपसे सवाल कर रहा हूं। जी, जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा पंजाब को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने सीटों पर प्रभाव डालते हैं ये लोग, बताइए ईमानदारी से? पूरे ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, देश की 70% आबादी अब हरियाणा पंजाब में तो है नहीं। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़। पंजाब की कितनी? 3 करोड़, 3 करोड़ के आसपास। कितना हुआ? 5-6 करोड़। तो देश की जनसंख्या 80-90 करोड़ जो किसानों की है, तो पूरे देश में फैले हुए हैं। बंगाल में किसान नहीं है क्या? यूपी में किसान नहीं है? नहीं, मेरा सवाल है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, देश में कितना प्रभाव डालेंगे, कितनी सीटों पर? देखिए, अगर ये पूरे देश का आंदोलन है और सीटों पर कितना नहीं है, ये इस पे नहीं जाऊंगा मैं। अगर अभी भी जागरूक नहीं है ना किसान, हमकी तो आप इसके देते हैं कि हम सरकार हटा देंगे, हटा देंगे ना, कोई शक है क्या? देखा नहीं अपने वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कितनी सीटों पे प्रभाव डालते हैं आप? अब देख लेना कितनी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब आगे का किसी नहीं पता, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक आशावादी हैं। समाधान निकलेगा और पक्का निकला, पक्का इलाज होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर अभी भी किसी सवाल से चपर रहे हैं, चपर नहीं आप, पूरी दुनिया देश की जानकारी लिखते हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, 10 पे या 5 सीट पर कितने पर प्रभाव डालेंगे किसान? भाई ये क्या बात कर रहे हो आप, ये समाधान की बात है क्या? रोजी रोटी किस कौन नहीं, सरकार तो यही देख रही है ना, ये तो अंदा आप आकलन नहीं करते, यही गलती है क्या? सरकार तो पता नहीं क्या क्या देख रही है, सरकार तो पता नहीं क्या क्या बोलती है। सरकार ने आतंकवादी खालिस्तानी बोला, आंदोलनजीवी बोला, अभी भी आप बोल रहे हो कि कोई गुटबाजी हो रही है, ये सरकार ही कर रही है, ये हम नहीं कर रहे। सरकार तो ये भी कहती है क्या % लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर उठा लेना। एक बैठा है, मान लिया 4 किसान बैठे हैं, तो उठा क्यों नहीं रहे? एक बम फेंक दो ना। मैं तो बोल रहा हूँ बार बार दिन रात पॉलिसी लेके आते हैं, एक पॉलिसी बना दे, दीनदयाल उपाध्याय फंदा योजना, एक फंदा दे दो और हम फांसी लागे मर जाएंगे। ये मर चुका है किसान, फैक्चुअल बात बताऊँ आपको। MSP की तो बात करते ही है, MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ना तो मीडियम है ना मैक्सिमम है, मिनिमम है। न्यूनतम भी कैसा था? C2 की 1.5 गुना कोस्ट पे देना था, OA2+FL पे दे रहे। बात क्या है, गिलास पानी का भरा था उस पे देना था, लेकिन आधे गिलास पे दे रहे हैं, और आधे गिलास पे भी कैसा दे रहे हैं? 23 फसलों बोला था, वो भी केवल दो फसलों पर दे रहे हैं, 2 फसलों में भी केवल 6% को दे रहे हैं। तो ये मिनिमम है, माइक्रो है, माइनर है, क्या है? ये बात आपकी सब ठीक है, लेकिन सरकार को कैसे कमजोर करोगे, सरकार पे कैसे दबाव बनाओगे, वो क्या रास्ता है आपके पास? प्रचार प्रसार से हो नहीं रहा, पंचायतें नहीं हो रही, पूरे देश में महापंचायत हो रही है, आप देख नहीं सकते। पूरे देश का किसान जागरूक करने चाहता, आप पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, 5 महीने से कर रहे हैं, कोई नतीजा निकला? तो समाधान भी मतलब समस्या भी अभी आई है। पहले तो हम भी मान के बैठे थे कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमने तो वोट देकर दोबारा बनाया। मैं हरियाणा से आता हूँ, 10 की 10 सीटें इनको दी, 10 की 10 बता रहा हूँ मैं। तो हमने तो विश्वास था कि हमारे लिए काम करते हैं, पीपल्स पॉलिसी बनाते हैं, लोगों की सरकार है, जनतंत्र होता, लेकिन आज उल्टा काम हो गया। लोकतंत्र को बहाली करनी पड़ेगी, तानाशाही चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, 5 महीने से बैठे हैं। कोई एक घटना होगी ना, आप देख लो ना क्या डिबेट होते हैं, किसानों ने जी रेप कर दिया किसी आदमी का, किसी लड़की का, बच्ची का रेप होता था, मुझे बताओ, मैं उदाहरण के लिए मैंने किया तो मैंने किया है, पूरे आंदोलन ने किया है, ये कौन सा लॉजिक है? हमारे 500 किसान मर चुके हैं, इन्होंने किसी दिन एक दिन भी डिबेट किया तो करवाया तो बता दो आप। वो कह रहे हैं कि अब किसान नेताओं को आंदोलन की रणनीति बदल लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है पंजाब में हम बाहर हो चुके, हमारी सरकार आनी नहीं है, हरियाणा में हमारी सरकार आनी नहीं है, इस बार गठबंधन से सरकार चल रही है, और यूपी के कितने % लोग विरोध कर रहे हैं उनका, वो उस चीज को भी देख रही है। हमारी रणनीति ये कि देश को जागरूक किया जाए और MSP कानून बना जाए और शांतिपूर्ण तरीके से। इस देश ने अंग्रेजों का कैसे जीता था, कैसे हराया था, सत्य और अहिंसा। देखिए, सरकार ने मना कर दिया, कृषि मंत्री का भी बयान, तो फिर क्या करे भाई साहब, बम फेंक दे, पार्लियामेंट उड़ा दे, क्या क्या चाहते हो? रणनीति किस तरह की बदलवाना चाहते हो आप बता दो, या तो फिर आप बताइए ना,
मैं वो बता रहा हूँ ना, फिर वो बता रहा हूँ सत्य और अहिंसा पे चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे देश के लोग हैं, हमने क्या मांग लिया? रियासत मांग ली, साम्राज्य मांग लिया, देश मांग लिया, अपना हक मांगा है ना। कम से कम रोटी मांगी, हमारी रोटी की लड़ाई है, रोटी ही रहेगी और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। एक पत्ता भी तोड़ा तो बता दो आप, कोई एक भी घटना बता दो आप। मैं बोल रहा हूँ कैसे बदनाम किया जा रहा है। आंदोलन बुद्धि बल से जीतोगे या बाहुबल से जीतोगे? बुद्धि बल से जीता जाता, बाहुबल यहाँ पे वो जमाना जा चुका है। ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, ये पॉलिसी की लड़ाई, कानून लॉ मेकिंग होती है उसकी लड़ाई है, ये साइंटिफिक टेंपर क्रिटिकल थिंकिंग की लड़ाई। लोग आंदोलन कर रहे हैं बाहुबल है बुद्धिबल है? ये बाहुबल है, वो पूंजीपति है, उन्होंने उनको, उनके जो फाइनेंसर है उन्होंने उनको खड़ा किया है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो बाहुबल है बुद्धिबल है? बुद्धिबल है, दोनों तरह का काम होता है। देखिए अनपढ़ आदमी है जो ज्यादा बुझाओं पे विश्वास करता, पढ़ा लिखा बुद्धि पे विश्वास करता है। आंदोलन चल रहा बुद्धि बल पे। मैं सत्य अहिंसा की बात की, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चलता? बाहुबली होते थे, दो दिन में उठा देंगे। इस बात को मैं मानता हूँ, सरकार चाहे तो एक घंटे में उठा सकती है अगर वायलेंस करोगे तो। क्यों, जाहिर सी बात है, उजाड़ने थोड़ा ना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे टैक्स से बना, ये रोड भी बना है, ये माइक भी बना है, तो हमारे पैसे से बना है। लेकिन आपने कहा जो अनपढ़ है वो बुद्धि बाहुबल पे ज्यादा विश्वास करता है और जो पढ़ा लिखा हो बुद्धि बल पे ज्यादा विश्वास करता है। आंदोलन में किन की जनसंख्या ज्यादा है? आंदोलन चल रहा है देश के लिए, किसी की जनसंख्या कम ज्यादा नहीं है, मेल मिलाप से चलता है, समन्वय से, सामंजस्य, सुना होगा ना आपने शब्द, उससे चलता है, सब मिलके काम करते हैं। गरीब है किसान, तादाद किसकी ज्यादा? आप तो विश्लेषण कर रहे हैं आंदोलन का, यहाँ किसानों की ज्यादा तादाद ज्यादा, भाई बाहुबल की ज्यादा मानते हैं। बाहुबल क्या होता है फिर, वही बात करो, बाहुबल का मतलब मैंने ये बोल दिया, अनपढ़ आदमी ज्यादा, अनपढ़ आदमी नॉलेज नहीं होता ना उस लेवल का, उसके ज्यादा दिमाग में ज्यादातर ये होता है कि वायलेंस से कुछ कर दूं, लड़ जाऊं मर जाऊं, लेकिन वो समाधान होता है क्या बता दो आप? नहीं, संविधान में क्या लिखा है? राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देगी, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। पब्लिक ऑर्डर क्या है कि पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तेरे अधिकार के चक्कर में तू देश को नुकसान नहीं कर सकता, आगे नहीं कर सकता, कुछ आगे नहीं कर सकता, तू गलत नहीं कर सकता। तो मैं वही कर रहा हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से देश को जीता था, शांतिपूर्ण तरीके से हम जीतेंगे, देख लेना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। एक आखिरी सवाल, एक किसी ने कमेंट्स करा हमारी वीडियो पर, कहा कि अब किसान नेताओं के पास सिर्फ एक ही हथकंडा बचा है कि वो भूख हड़ताल पे बैठ जाए, बस लास्ट यही उनके पास है। इस देश में पहले भूख हड़ताल नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो? देखिए जिसने नहीं सुननी ना, भूख हड़ताल से कितने अरे आप जीते हैं, देखिए उन्होंने तो, मैं बोल रहा हूँ शांतिपूर्ण तरीके से किए थे। ऐसो दांडी मार्च क्या था? शांतिपूर्ण तरीके से। मैं बोल रहा हूँ कि गर्दन भी कटवा लो, 500 मर चुके हैं, भूख हड़ताल करने के क्या बाद क्या होगा? मरेगा आदमी, वो मर तो चुके हैं। उनका सजेशन है सही है गलत, कैसे मान? गलत है भाई, हम भूखे नहीं मरेंगे, हम तो खा के मरेंगे, खा के मरेंगे।